लेट्स गो। और ये हमारा एरिया, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कि यूएस और इंडिया कितने अलग हैं। तो इंडिया से वो चीज भी ऑपोजिट है। मेलमैन भी आ गया, तो ये उसकी गाड़ी होती है ऐसी। और आज है फ्राइडे और मैं और रिवा हैं अपनी बैकयार्ड में और हम थोड़ा सा यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं क्योंकि शाम का टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आओ अभी हम जाएंगे थोड़ी देर बाद बाहर, निशांत रेडी हो रहे हैं और उससे पहले हम देखने जाएंगे मेल। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं कि मेल देखने का यहाँ पे क्या प्रोसेस है। तो चलो चलते हैं, चले लेट्स गो। चलो गाइज अभी चलते हैं हम बाहर और टाइम देख लेते हैं और पैकेज भी आ गया निशांत। तो अभी देखो 6:30 होने वाले, 88 टेम्परेचर है बट काफी अच्छा है वेदर। ओके ये देखो धूप है बट अच्छा लग रहा है वेदर। बोल लेके आयो साथ, चलो दिस साइड बेटू कम। होल्ड हैंड बेबी, लेट्स गो। सो हम आए हैं मेल देखने और इधर ये देखो मेल देख रहे हैं निशांत। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या प्रोसेस होता है मेल का। तो भी एक बार लेने दो निशांत को मेल। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे एक मेल बॉक्स है तो ये एक बहुत बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस बनाए हैं छोटे छोटे और ये हर घर को एक बॉक्स एलोकेट किया हुआ है इन्होंने। तो जैसे गुड थिंग इज कि ये हमारा घर है और ये इधर मेल बॉक्स है, तो हमारे तो घर के सामने ही है तो हमारे लिए इजी हो जाता है ये चेक करना। तो आप ना जब भी आपको टाइम लगे तो आप अपनी मेल चेक कर लो इसमें। और हर घर को एक नंबर इन्होंने दिया होता है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, तो जो आपका नंबर है उसमें से आप की लेके आप निकाल लो जो भी मेल वगैरह होगी। और अगर आपका पैकेज कोई बड़ा है या मेल बड़ी है तो वो इस बॉक्स में रख देते हैं और इस बॉक्स की की वो आपके मेल बॉक्स में रख देंगे, तो आप उससे फिर वो की लेके अपना निकाल सकते हो पैकेज। तो अभी निशांत और रिवा ये हैं इधर। सो निशांत कैन यू प्लीज ओपन इट। तो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कि यूएस और इंडिया कितने अलग हैं। ये देखो इसमें की जो है इसको ऐसे रखा है, अपने वहां पे होता है ऐसे बट इसको ना ऑपोजिट वे में रख के और आपको ओपन करना है तो ये ओपन होगा, है ना। तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में दूसरी साइड से लगती है की, सेम ऐसे ही जैसे दिन रात वाला होता है। इंडिया में जब रात होती है तो यहाँ दिन होता है, वहाँ दिन होता है तो यहाँ रात होती है, तो वैसे ये चीज़ है। और सेम बात स्विच के साथ भी है, जो लाइट वाले स्विच होते हैं ना वो ऊपर करोगे तो वो ऑन होता है, नीचे करोगे तो ऑफ होता है वो। तो इंडिया से वो चीज़ भी ऑपोजिट है, तो कितना डिफरेंस है ना देखो दोनों कंट्रीज़ में। ये देखो इवा की तो मस्ती हो जाती है फुल। इवा हम बाहर जा रहे हैं, नहीं तो ये अगर रोड होते हैं यहाँ तो गाड़ियाँ, हाँ यहाँ तो थोड़ा सेफ है क्योंकि घर के आगे है तो कोई ऐसा डर वाली बात नहीं है। और ये हमारा एरिया जहाँ हम रहते हैं, ये हमारे आसपास के घर हैं। तो हम जा रहे हैं, बाय बाय कर दो, बाय कर दो फिर। देखो जैसे हम बाहर घूम रहे थे अभी तो ये मेलमैन भी आ गया, तो ये उसकी गाड़ी होती है ऐसी यूएसपीएस, तो इसके पास ना एक्सेस होता है सारे बॉक्सेस को ओपन करने का और ये उसमें मेल रख के जाता है। तो अभी ये मेल रख रहा है उसमें, तो हम फिर से एक बार चेक करने जाएंगे। Yes, this is my husband's name okay. and it's me. Okay, great. Because every once in a while I'll see something that gets popped into the outgoing and I'm not sure what name it is. So I catch it. Okay, that's fine. Thank you. All right. Thank you so much. तो चलो हम बाहर थे तो हमें अपनी जो भी मेल्स हैं वो पहले ही मिल गई, नहीं तो हमें फिर से चेक करना पड़ता मेल बॉक्स ना। इवो चलो बंदे चलते हैं बेटू, चलो और ये निशांत एना को बिठा रहे हैं गाड़ी में, इवो ऑलरेडी बैठ चुकी है। तो अभी हम आ चुके हैं बाहर और मैं बैठी
बैठी हूँ गाड़ी में और मेरे साथ हैं एना और ईवा, दोनों हैं। और एना तो उठ गई अभी, थोड़ी देर पहले तो सो रही थी, बोल भी रही है बीच बीच में। और हम लोग ना वेट कर रहे हैं गाड़ी में बैठ के निशांत का। निशांत गए हैं अभी ग्रोसरी करने, तो दूध ना ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था, तो फिर हमें लगा कि चलो ले लेते हैं, ग्रोसरी कर लेते हैं कुछ। तो और बच्चों के साथ तो ना वैसे भी कोई भी चीज़ अगर खाने पीने की ख़त्म हो जाए ना ऐसे तो बहुत दिक्कत आती है, तो हमें लगा पहले ही ले लेते हैं, ख़त्म होने वाली है, बस आज आज के लिए था दूध। और मेन तो हम ना आए हैं बाहर, इसलिए जा रहे हैं हम मेन, क्योंकि एना का ना इन्फेंट फॉर्मूला जो है वो हमने ऑर्डर कर दिया था, कल ही ऑर्डर कर दिया था निशांत ने, और वो पिक करना है हमें, तो उसी को पिक करने जाना था। तो हमने सोचा कि चलो ग्रोसरी भी कर ही लेते हैं कुछ, बट ज़्यादा चीज़ें थी नहीं तो इसलिए हम तो रह गए गाड़ी में, क्योंकि फिर टाइम लगता है एना को निकालना, ईवा को साथ लेके जाना, और ईवा इधर उधर भागेगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा नहीं निशांत हम तो रहेंगे गाड़ी में और आप जल्दी से ले आओ जाके। तो हम बैठे हैं वेट कर रहे हैं, तो बस आने वाले हैं निशांत तक। और ये निशांत आ चुके हैं, तो मैं जल्दी से सामान गाड़ी में रखवा देती हूँ। क्या लेके आए हो? ब्रेड, बनाना। अच्छा, मेरे को तो सिर्फ मिल्क था। ओके, एसेंशियल फूड आइटम्स। कितना अच्छा सा, लाइटें सब ऑन हो चुकी हैं। तो ये हम आ गए हैं अपने स्टोर में और हमें जाना है वॉलमार्ट। ये देखो यहाँ पे इधर है, एक पार्किंग थी यहाँ पे एरी। और हम ना अभी अपनी पिकअप लोकेशन पे आ चुके हैं और हमारा है स्पॉट नंबर 5। तो अभी निशांत एक बार उनको कॉल करेंगे। Yes, I'm here for pickup. देखो ये अभी ऑर्डर देने आ रहा है। Okay. Thank you. Okay. चाहे तो आप ना अपना ट्रंक ओपन कर सकते हो, वो ट्रंक में रख देंगे, बट हमने यही ले लिया। दिस इज द मिल्क वी वर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इतने दिन से हम पता कर रहे थे ना ये दूध कहाँ मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा था क्योंकि इसकी बहुत शॉर्टेज हो चुकी है पूरे US में ही। तो मुश्किल से ये मिला है और पता नहीं निशांत ने कैसे कैसे ये ढूंढा है। तो तभी हमने ना घर से ऑर्डर कर दिया था और फिर ये था कि चलो इसको पिक कर लेते, क्योंकि कई बार क्या हुआ जैसे ही हमें लगा किसी स्टोर में है और हम वहाँ पहुँचे उससे पहले तो वो जा चुका था। तो बहुत बार ऐसे हुआ है, तो इसलिए इस बार हमने इसको ऐसे ही ऑर्डर कर दिया। रास्ते में ना इंडियन स्टोर से कुछ थोड़ा सा वो भी सामान लेना है, तो वो लेते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं घर। ये है इंडिया स्टॉप और ये निशांत आ चुके हैं। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं घर और मैं आप देख रही हूँ आराम से बैठी हूँ अपने काउच पे। और आने के बाद क्या हुआ ना कि एना बहुत क्रैंकी हो रही थी, तो उसको दूध वगैरह पिलाया, वो थोड़ी सी फिर ठीक हुई। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, फिर मैंने किचन का जो भी काम था अपना सारा डन किया और हम लोग बैठ गए फिर मूवी देखने। तो आज फ्राइडे है ना, तो थोड़ा सा ना लेट ही सोते हैं हम वैसे फ्राइडे को। वैसे तो हमारा क्या है ना कि बच्चों के साथ ना किसी भी चीज़ की कोई टाइमिंग है ही नहीं, ऐसे चलता है, बट स्टिल हम थोड़ा सा टाइम निकाल ही लेते हैं मूवी वगैरह के लिए या फिर कहीं बाहर जाना हो। तो अभी मूवी देख रहे थे, देखते देखते मुझे याद आया एकदम से ना कि मैंने व्लॉग की एंडिंग तो की नहीं। सो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। और ये ईवा भी आ गई है, ईवा हो गया भैया। सो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय 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 बाय।